हेलो दोस्तों, आप कितनी बार अपनी फ़ोटो खींचते होंगे, पर कभी कभी क्या होता है, आपके फेस पर फोड़े फुंसी या पिंपल्स हुए रहते हैं, उसके कारण आपकी फ़ोटो बेकार आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एडोब फोटोशॉप के एक टूल्स की मदद से फोड़े फुंसी हटाना बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। आपको अपने कंप्यूटर में एडोब फोटोशॉप ओपन करना है, फिर आपको जिस इमेज को एडिट करना है उस इमेज को ओपन करना है। इमेज को ओपन करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड पे जे की प्रेस करना है। जैसे ही आप जे प्रेस करेंगे आपका कर्सर सर्कल हो जाएगा। यहाँ पे टूल्स पे एक बैंडेज का टूल दिख रहा होगा, वो सिलेक्ट हो चुका होगा। जब हमारे शरीर पर चोट लगती है हम बैंडेज लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही टूल। मुझे ब्रश को बड़ा करना है, आप ब्रश का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मुझे ब्रश का साइज़ 85 करना है, मैंने कर लिया। उसके बाद आपको किसी अपने फेस के क्लीन सरफेस में जाकर ओल्ट की प्रेस करनी है। ओल्ट की प्रेस करते हुए आपको साथ ही माउस का लेफ्ट बटन दबाना है, इससे वो कलर कॉपी हो जाएगा। जहाँ पर पिंपल है वहाँ पर आपको कर्सर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंपल गायब हो चुका है। ऐसे ही आपको ओल्ट की प्रेस करके पिंपल गायब कर देने हैं। जहाँ पर कलर स्किन टोन अलग है वहाँ पर आपको दोबारा से ओल्ट की प्रेस करके लेफ्ट करके फिर कॉपी करके फिर वहाँ पर दूसरे पिंपल पर पेस्ट करना है। यहाँ पे मेरे ब्रश का साइज़ ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसके लिए मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ। मुझे ब्रश का साइज़ अब 50 कर लिया है। यहाँ पे ओल्ट, यहाँ पे स्किन टोन जैसे अलग है, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं एक साइड पे पता भी नहीं लग रहा कि पिंपल थे कि नहीं। अब दूसरी साइड भी आपको सेम ऐसा ही करना है, ओल्ट की प्रेस करनी है फिर लेफ्ट क्लिक कर देना है साथ ही में, फिर वो कॉपी हो जाएगा। फिर आपको सर्कल पिंपल पर ले जाकर राइट क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे स्किन टोन अलग है तो मैंने दोबारा से सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए आप इस साइड भी ठीक हो चुके हैं, अब बस ऊपर का हिस्सा रह चुका है। यहाँ पे जैसे स्किन टोन, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है स्किन टोन मैच करनी चाहिए। आप देख सकते हैं इमेज में से पूरा पिंपल गायब हो चुके हैं, पता भी नहीं लग रहा है इस इमेज में पिंपल थे। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।